हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे मेरे पास कि सर आप कौन सी अकेडमी के अंदर पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम्स जो जीनियस नर्सिंग क्लासेज है वो पर्टिकुलर किसी एकेडमी से रिलेटेड नहीं है। ये जीनियस नर्सिंग क्लासेज मेरा खुद का चैनल है और आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो जैसे ही मैं एकेडमी कोई ज्वाइन करूँगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जीनियस नर्सिंग क्लासेज है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन टाइम पीरियड के अंदर आपको बेटर से बेटर सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी ताकि आप घर पर बैठे ऑल ओवर कंप्लीट कर सको। आपको ये ना लगे कि मैं कोचिंग कर रहा था, अब मैं स्टडी घर पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है। विनोद सर आपको बेटर से बेटर मटेरियल प्रोवाइड करेगा। आपको अब घबराना नहीं है, आप घर पे बैठे हुए आल वीडियो को देखो, इनके नोट्स है तो खुद भी आपके पास जो नोट्स है उनको पढ़ो, वीडियो को देखो और अपना नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, आज अपने डायबिटीज मेलिटस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वीडियो एंडोक्राइन सिस्टम का आज का ये, उसके बाद न्यू सिस्टम है वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो डायबिटीज मेलिटस दोस्तों मैंने ऑल ओवर कंप्लीट कराने की कोशिश की है, जिसके अंदर से जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं वो भी मैंने हाईलाइट है वो कर रखे हैं। तो वीडियो पूरा देखने में आज टाइम लगेगा क्योंकि डायबिटीज मेलिटस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन निकले हुए हैं और काफी बड़ा वीडियो आज का होने वाला है। तो फर्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमनली नाउन एज डायबिटीज, क्लियर है। और किस टाइप का डिसऑर्डर है दोस्तों, ये इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किस टाइप की डिजीज है ये, मेटाबॉलिक डिजीज बोल सकते हैं अपने इसको, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट कोज हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। देन सेकंड की पॉइंट है दोस्तों, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो यहां पर बात क्या बताइए दोस्तों कि डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है या इंसुलिन से काम नहीं कर पाता, मतलब इंसुलिन एक्शन के मतलब जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो डैमेज हो चुके हैं। इन दोनों कंडीशन में इंसुलिन काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसुलिन का फंक्शन है वो अभी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। नॉर्मली आपको फर्स्ट लाइन बता देता हूं, इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, और मैंने अलग से फंक्शन मेंशन कर रखा है, अभी आपका क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डायबिटीज मीन्स एनी डिसऑर्डर विच कॉज पोलीयूरिया, क्लियर है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनी डिसऑर्डर विच कॉज पोलीयूरिया, एंड मेलिटस मीन क्या होता है दोस्तों, हनी ग्लूकोज या शुगर, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपने की पॉइंट की ओर बढ़े तो डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय, डायबिटीज मेलिटस को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया था, थॉमस विलिस, क्लियर है दोस्तों। थॉमस विलिस ने फर्स्ट टाइम डायबिटीज मेलिटस को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट जो की पॉइंट है, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकला हुआ है, इट इज मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कौन सा है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आएगा राइट आंसर, डायबिटीज मेलिटस आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉर्मल हेल्थी अडल्ट डेली इंसुलिन प्रोडक्शन, नॉर्मली हेल्थी इंडिविजुअल या अडल्ट वो कितना इंसुलिन का प्रोडक्शन करता पर डे, आपको पता होगा दोस्तों इंसुलिन कहां से प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन पेनक्रियाज ग्लैंड से होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर टेल पार्ट के अंदर अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। कितना होता है दोस्तों पर डे होता है 30 to 50 माइक्रो पर डे, या देखे तो 0.6 माइक्रो पर केजी क्या होता है पर डे इनका सीक्रेशन होता है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों की पॉइंट की तरफ है, डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है दोस्तों, एक क्रोनिक डिसऑर्डर माना जाता है ऑफ इंपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करवाता कौन है, मेनली देखे तो इंसुलिन रोल प्ले करता है। तो इंपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड इनएबिलिटी टू यूज इंसुलिन। क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस क्यों होती है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंबेलेंस हो जाता है, इंपेयरमेंट हो जाता है, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से या इनएबिलिटी टू यूज इंसुलिन। इंसुलिन का मेन फंडा क्या होता है, क्या करता है दोस्तों ये इंसुलिन, इंसुलिन हेल्प टू ऐड एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। जो ग्लूकोज बनता है, आपने पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ऑल ओवर करवाता कौन है, लीवर करवाती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेल के अंदर एंट्री कौन करवाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन करवाता है, इंसुलिन होता है, वो ग्लूकोज को सेल तक ले जाने का काम करता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस के अंदर होता क्या है, डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर तक लेके नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे इंक्रीज होगा उस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे दोस्तों, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है, होता किसकी वजह से है डायबिटीज मेलिटस, इट का मतलब डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय इंबैलेंस बिटवीन इंसुलिन सप्लाई एंड इंसुलिन डिमांड और इनइफेक्टिव ऑफ इंसुलिन। इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन की जितनी सप्लाई हो उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, जितनी डिमांड चाहिए उतनी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फंक्शन की तरफ बढ़े अपने, फंक्शन ऑफ इंसुलिन देखें तो मेनली फोर टाइप के फंक्शंस होते हैं इंसुलिन के। फर्स्ट वन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जैसे ही कर देती है तो इस ग्लूकोज को क्या करता है, सेल एंड टिश्यू तक पहुंचाने में रोल प्ले करता है। तो ये मैंने सेकंड डाला यहां पर, ट्रांसफर ग्लूकोज टू दी सेल। क्लियर है। थर्ड फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन लीवर एंड मसल। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन क्या करवाता है, लीवर और मसल में स्टोर कराने का काम करवाता है। और क्या होता है दोस्तों, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फैट का ब्रेकडाउन होने से भी क्या करवाता है, इंसुलिन वो प्रिवेंट करवाता है। तो जब इंसुलिन की सीक्रेट नहीं होता है तो डायबिटीज कीटो एसिडिसिस देखने को मिलता है, क्योंकि डायबिटीज कीटो एसिडिसिस के अंदर फैट का ब्रेकडाउन होने लग जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कौन से के अंदर, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिलेगा या सेकंड में। तो ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन ना के बराबर सीक्रेट होता है, इसलिए टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, डायबिटीज कीटो एसिडिसिस देखने को मिलेगा। सेकंड के अंदर क्यों नहीं देखने को मिलेगा, सेकंड के अंदर सम क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये डिटेल में अपने अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉज ऑफ डायबिटीज मेलिटस के अंदर देखें तो अबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी किसकी वजह से हो रही है दोस्तों, वेट गेन की वजह से या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हाइपर इंसुलिनिमिया हो जाता है और सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल। बीटा सेल धीरे धीरे अपना काम करना क्या कर देती है, कम कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा और आगे क्या डेवलप हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल किसकी वजह से होगा दोस्तों, हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से, हाई फ्री फैटी एसिड की वजह से, या जेनेटिक फैक्टर होता है उसकी वजह से बीटा सेल का प्रोग्रेसिव लॉस होगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस होगा। दोस्तों मैंने आगे यहां पे मेंशन किया है, यहां पे दिख रहा आपको एफपीजी। एफपीजी कितना हो जाता है जब अपने डायबिटीज मेलिटस मानेंगे 126 mg पर डेसीलीटर से, अब हो जाएगा ओजीटीटी 2 आवर पीपी या 200 mg पर डेसीलीटर से अब हो जाता है, उसको डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे।
या फिर HbA1c का लेवल 6.5% से अबो जाता है उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे, डायग्नोज के अंदर मानने जाते हैं दोस्तों ऑल ओवर FeGO, GTT, HbA1c ऑल ओवर अपने क्या करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर डायग्नोज करते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि FeGO क्या होता है, OGT क्या होता है, HbA1c क्या होता है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं वन बाई वन। तो FeGO का मतलब क्या होता है दोस्तों, FeGO का मतलब होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। क्या होता है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। और यहां पर क्या बताया इन्होंने कि FeGO का लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से अबो जाता है उसको डायबिटीज मेलाइटस आप अपने काउंट करेंगे। और यही डायग्राम के अंदर आपको मैं मेंशन करवा देता हूं। FeGO लेवल देखें तो दोस्तों लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। 100 mg पर डेसीलीटर टू 120 mg पर डेसीलीटर हो तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, और 126 mg पर डेसीलीटर एंड हायर होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डायबिटीज बोलेंगे। अब आपका FeGO क्लियर हो चुका है ऐसा आशा करता हूं मैं। नेक्स्ट है दोस्तों OGTT, अभी अपने पढ़ा था OGTT 200 mg से अब हो जाता है उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि OGTT होता क्या है, तो OGT की फुल फॉर्म देखें दोस्तों ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। The OGT is a 2-hour test that check your blood glucose level before and 2-hour after your drink a special sweet drink। क्लियर है दोस्तों, OGT का लेवल देखें तो एक साइड OGT लेवल डाला है मैंने, सेकंड साइड है रिजल्ट। तो नॉर्मल कौन सा काउंट होता है, लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर, दैट इज नॉर्मल। 140 mg टू 199 mg पर डेसीलीटर जिसको बोलते हैं येलो वाले में दिख रहा है दोस्तों आपको प्री डायबिटीज। और OGT की वैल्यू 200 mg पर डेसीलीटर हाई होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, डायबिटीज। यही मैंने ऊपर मेंशन कर रखा था। इसके बाद आपको दिखाया था HbA1c। HbA1c कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसमें से 3 क्वेश्चन है वो निकले हुए हैं दोस्तों। HbA1c को क्या बोला जाता है दोस्तों, पोस्ट ग्लूकोज कंट्रोल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोस्ट ग्लूकोज कंट्रोल टेस्ट बोला जाता है। HbA1c का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कितनी अमाउंट के अंदर ग्लूकोज है वो बाउंड हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ उसको बोलते हैं अपने HbA1c टेस्ट। किसके लिए करते हैं दोस्तों, श्योरिटी केस चेक करने के लिए करते हैं, तो क्या आएगा HbA1c राइट आएगा। तो ये पूछा हुआ है कि श्योरिटी केस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस में, तो HbA1c करते हैं। दूसरा नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों HbA1c की, ये भी पूछा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू होती है 4-6%। क्लियर है, आपने अभी पढ़ा था कि ऊपर HbA1c की 6.5 से अबो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। HbA1c इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल प्रियर 3 मंथ, तो 90 डे प्रियर कितना आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में था उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों HbA1c। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और देखें तो क्या होता है दोस्तों, और यहां पे देखें तो नॉर्मल आपको पता है HbA1c होता है 6 तक 4-6 नॉर्मल वैल्यू है, तो 6 तक अपने मानते हैं इसको हेल्थी। और प्री डायबिटीज कौन सी होती है जिसकी वैल्यू 6 और 6.5 के बीच में रहती है, और 6.5 से अबो जाती है HbA1c की उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डायबिटीज बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर देखें दोस्तों तो बेस्ड ऑन कोज डायबिटीज मेलाइटस इज 3 टाइप। कोज के बेस के ऊपर डिवाइड करें तो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो कितने टाइप की होती है दोस्तों, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो अपने सबसे पहले टाइप फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सेकंड के ऊपर करेंगे, देन अपने किसके ऊपर करेंगे, थर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टाइप फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। टाइप फर्स्ट
डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट, इसी का ही अदर नेम है दोस्तों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको बोलते हैं IDDM। क्लियर है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस किसको बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट को, और इसी को ही जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। कब? ये बच्चों के अंदर होती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। क्लियर है? तो डायबिटीज मेलिटस के तीन नेम आए, एक तो टाइप फर्स्ट, एंड इसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। किसकी होता क्या इसके अंदर देखें तो टाइप फर्स्ट आकर ड्यू टू डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बिलो 20 ईयर। तो मोस्ट कॉमन कब देखने को मिलती है दोस्तों? 20 ईयर से बिलो ये देखने को मिलती है। और किसकी वजह से? डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से। क्लियर है? कोज क्या है टाइप फर्स्ट के अपने देखें तो दोस्तों, कोज देखें, कोज या रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट, फर्स्ट वन देखें तो दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज बाय इंफेक्शन। इंफेक्शन की वजह से पेनक्रियाज ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? वो कौन से बैक्टीरिया जो इंफेक्शन करते हैं? दो बैक्टीरिया के नेम बता, एक वायरस का नेम बता रहा हूं, एक बैक्टीरिया का नेम बता रहा हूं दोस्तों, कोक्सैक्सी वायरस। क्लियर है? कोक्सैक्सी वायरस एंड बैक्टीरिया कौन सा? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से पेनक्रियाज ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो गया, और उसकी वजह से पेनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑटो एंटीबॉडी में डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। किसी पर्सन के ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेनक्रियाज ग्लैंड को ही अपनी एंटीबॉडी क्या मान लेती है? पेनक्रियाज ग्लैंड को ही एंटीजन मान लेती है, और पेनक्रियाज ग्लैंड का क्या कर देती है? डिस्ट्रक्शन कर देती है। उस कंडीशन के अंदर पेनक्रियाज ग्लैंड से बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, देन क्या होगा? टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस देखने में। हेरिडिटरी रिसर्च बोलता है कि हेरिडिटरी में बिलीव टू प्ले रोल। रिसर्च मानता है अगर किसी के मदर फादर के है तो उनके बच्चे में होने के चांस है डायबिटीज मेलिटस के। नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया था, व्हेन इट डेवलप एट इन्फेंसी और चाइल्डहुड। क्या डायबिटी व्हेन का मतलब? डायबिटीज मेलिटस व्हेन इट डेवलप एट इन्फेंसी और चाइल्डहुड इट इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है, इट इज नॉट एसोसिएट विद ओबेसिटी। ओबेसिटी का कोज नहीं माना जाता। ध्यान रखना दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस सेकंड का मोस्ट कॉमन कोज पूछे आपसे तो क्या होता है? ओबेसिटी होता है, वेट माना जाता है। लेकिन टाइप फर्स्ट किससे रिलेटेड नहीं है? ओबेसिटी से रिलेटेड नहीं है। और टाइप सेकंड के अंदर डायबिटीज कीटोएसिडिटी नहीं देखने को मिलता, टाइप फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? मे बी एसोसिएट विद एसिडोसिस एंड कीटोसिस। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। और यहां पे क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन सिक्रीट हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रॉयड हो रहा है बीटा सेल्स का, इंफेक्शन की वजह से बीटा सेल्स क्या हो रही है? डिस्ट्रॉयड हो रही है। तो इंसुलिन तो ना के बराबर सिक्रीट होगा, तो इंसुलिन ना के बराबर सिक्रीट होगा तो फैट का ब्रेकडाउन रोक नहीं पाएगा। अब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बनेगी, और कीटोन बॉडी एक्सेस क्वांटिटी में मिलेगी तो टाइप फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों? साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है। आपको पता है अपनी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में फैट होती है तभी अपना वेट होता है। बोलते हैं ना टम्मी आ गई, टम्मी आती है जिसकी, उसका वेट क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि है क्या? फैट डिपॉजिट। जो स्लिम होता है उसका वेट क्या होगा? लॉस होगा। तो डायबिटीज फर्स्ट के अंदर क्या होगा? फैट का तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। कीटोन बॉडी प्रेजेंट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे फैट का क्या होगा? ब्रेकडाउन हो रहा है एक्सेस क्वांटिटी में। जब फैट डाउन हो तो कीटोन बॉडी बनती है, तो कीटोन बॉडी यहाँ पे यूरिन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और आपको पता है एक्सेस क्वांटिटी में कीटोन बॉडी बन रहा है तो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे मेटाबोलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों टाइप सेकंड की। अपने टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट थी, जुवेनाइल पढ़ी थी, उसके कोज पढ़े थे, सिम्टम पढ़े, मैनेजमेंट अपने साथ में पढ़ेंगे।
टाइप सेकंड के ऊपर बात करें दोस्तों, तो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस को क्या बोला जाता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है? तो आपने टाइप फर्स्ट को क्या बोला था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोला था, सेकंड को क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है? वहां पे एक और नेम था फर्स्ट का जुवेनाइल, यहां पे कोई अदर नेम नहीं है। तो यहां पे देखें दोस्तों, इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल डिक्रीज। यहां पे इंसुलिन तो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर क्या होते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या था दोस्तों, इंसुलिन का ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सेकंड के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करते, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है सेकंड के अंदर, इसलिए यहां पे किटोएसिडोसिस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन तो बन रहा है, तो ये क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन नहीं होने देगा, तो इसी वजह से यहां पे सेकंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, डायबिटिक किटोएसिडोसिस नहीं देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल डिक्रीज और इंसुलिन रिसेप्टर गिव नो रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, सो इंसुलिन बिकम इनइफेक्टिव और अनेबल टू वर्क। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ होगा, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसुलिन तो यहां पे सीक्रेट होता है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन के खिलाफ काम नहीं करते, अब काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन घूमता रहेगा ब्लड में, तो ये फैट का तो ब्रेकडाउन नहीं होने देगा, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो फर्स्ट वाले में क्या होता, दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं, टाइप फर्स्ट के अंदर क्या था, फर्स्ट के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन तो होता है, इनफ क्वांटिटी के अंदर होता है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करते, और काम न करने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, काम न करने की वजह से ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है, और कंडीशन कौन सी डेवलप हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन डेवलप हो जाती है। टाइप सेकंड का आपने देखें दोस्तों, टाइप फर्स्ट का आपने देखा था कि फर्स्ट का बैक्टीरियल था, हेरिडिटरी था, ऑटोइम्यून डिजीज थी, लेकिन टाइप सेकंड का कोज एंड रिस्क फैक्टर देखें तो ओबेसिटी, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, ओबेसिटी मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है, मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है, 80-90% पेशेंट आर ओवरवेट एट द टाइम ऑफ डायग्नोज। टाइप सेकंड का जब भी डायग्नोज हुआ है, उस टाइम जो पेशेंट अपने लेबोरेटरी के अंदर आया है, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, आप उसको सैंपल कलेक्ट करके देखते हो, डायबिटीज मेलाइटस सेकंड डिक्लेयर करते हो, तो उस टाइम उसकी तरफ देख लेना, पेशेंट किससे सफर करेगा, पेशेंट ओबेसिटी से सफर करेगा। तो ओबेसिटी मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है किसका, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस का। क्लियर है दोस्तों? कब देखने हो, टाइप फर्स्ट के एज के ऊपर बात करें, टाइप फर्स्ट था वो बिलो 20 ईयर देखने को मिलता है, और ये कब देखने को मिलता है, आफ्टर 40 ईयर ऑफ दी एज। नेक्स्ट यहां पे रिसर्च मानता है कि स्ट्रेस और हेरिडिटरी भी यहां पे क्या करता है, रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज मोर कॉमन टाइप, 90% ऑफ ऑल डायबिटीज पेशेंट आर टाइप सेकंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, चारों आप तीन टाइप मैंने ऊपर बताए थे आपको, गेस्टेशन, उसके बाद टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, अगर आपसे ऑप्शन में दिया हो डी ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ दी अबव, देन प्रायोरिटी किसको दोगे दोस्तों, प्रायोरिटी देनी है आपको टाइप सेकंड को। तो मोस्ट कॉमन टाइप की क्या मानी जाती है, टाइप सेकंड डायबिटीज मानी जाती है। देन नेक्स्ट है दोस्तों, डायबिटिक किटोएसिडोसिस नॉट अकर इन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जो मैंने बात ऊपर बताई थी वो यहां पे मैंने मेंशन कर रखी है, ताकि आप जब भूल भी जाओ दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट है दोस्तों, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कौन सी होती है दोस्तों, ये भी मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूं। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस या गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है इसके अंदर दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस दैट रिजल्ट फ्रॉम अदर डिसऑर्डर लाइक डैमेज ऑफ पेनक्रियाज आफ्टर
और गेस्टेशन डायबिटीज मेलिटस फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ पेनक्रियाटिस और फ्रॉम ड्रग्स सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड इट डिक्रीज रेजिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस में दोस्तों दो कंडीशन मानते हैं, एक तो अपने मानते हैं गेस्टेशन डायबिटीज मेलिटस जो आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस का और कोज क्या माना जाता है दोस्तों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक्सेस क्वांटिटी के अंदर कोई पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहा है उस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम क्या करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर देता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस, इसलिए ज्यादा स्टीरॉइड यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन साइन, ये तो अपने अलग अलग देखे, फर्स्ट के देख लिए, सेकंड के देख लिए, तो कॉमन साइन क्या देखने को मिलता है डायबिटीज मेलिटस के अंदर। तो फर्स्ट वन देखें दोस्तों कार्डिनल साइन, और कार्डिनल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, या अदर लैंग्वेज के अंदर पूछ लिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल साइन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दो व्यू से क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैंने आपको बता रहा हूं। क्या पूछा हुआ है, क्लासिकल साइन या कार्डिनल साइन, तो 3P आते हैं। 3P का मतलब होता है पॉली यूरिया एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूरिन आउटपुट, पॉलीफेजिया एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्या करेगा खाना खाएगा, पॉलीडिप्सिया एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्या करेगा दोस्तों, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर थ्रस्ट। तो ये तीन मोस्ट कॉमन देखने में मिलते हैं डायबिटीज मेलिटस में, पॉली यूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए बीच में मेंशन कर दिया, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है दोस्तों, 72/110 mg/dL। तो यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस में नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है। वेट लॉस किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन इन टाइप फर्स्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से। इसके अलावा देखें तो दोस्तों ब्लड विजन देखने को मिलता है, आइदर ड्यू टू कैटारेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे ब्लड विजन और कैटारेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है डायबिटीज मेलिटस में, क्यों हो जाता है ये बात भी मैंने मेंशन की है। एक्सेस ग्लूकोज होता है अटैच टू लेंस प्रोटीन, लेंस प्रोटीन आपको मैंने बताया था, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरी क्लास ली हुई एंडोक्राइन की, तो उनको सबको पता होगा कि वाटर सोल्यूबल एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो लेंस के अंदर मिलती है, कॉर्निया ऑफ द आई के अंदर मिलती है, वो क्या हो जाती है अब उसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, और क्लाउडीनेस होने की वजह से कंडीशन क्या डेवलप हो जाती है, कैटारैक्ट हो जाती है, ब्लड विजन देखने को मिलती है। और देखें रीजन तो यहाँ पे, और ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ दी रेटिना, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती है, हार्ड होने लग जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जब भी आपको पता है दोस्तों चीनी के घोल के अंदर आप अपना हैंड है वो इंसर्ट करके बाहर निकालना, उसके बाद आपको पहले कॉन्ट्रैक्शन करना फिर रिलैक्शन करना हैंड को, देन आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन से वो टाइटनेस फील होगी, क्योंकि ग्लूकोज एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, वो क्या करता है ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाई, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और उसकी वजह से क्या हो जाता है ब्लड विजन देखने को मिलता है। स्लो वुंड हीलिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, फैटिक देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा देखने को मिलेगा एस्थेनिया। एस्थेनिया का मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस फील करेगा पेशेंट, इरेक्टिल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, देन इसके अलावा प्रेस्थेसिया, प्रेस्थेसिया दोनों पिन एंड नीडलेस सेंसेशन आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। प्रेस्थेसिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से रिपीटेड क्वेश्चन होता है, कई जगह पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी बेस के ऊपर, तो बर्निंग और प्रिकनिंग सेंसेशन दैट इज यूजली फेल्ट इन दी हैंड्स एंड साइन ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन फीट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस विच कॉज वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि डायबिटीज मेलिटस के अंदर किस टाइप का गैंग्रीन देखने को मिलता है, ड्राई या वेट, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मोस्ट गैंग्रीन्स होता है वो देखने को मिलता है डायबिटीज मेलिटस में। नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू हो जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गैंग्रीन बोलते हैं, यूजली रिजेक्ट फ्रॉम डेफिशिएंट और एब्सेंट ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि प्रेस्थेसिया देखने को मिलता है, प्रेस्थेसिया का मतलब होता है पिन एंड नीडल सेंसेशन, नॉर्मली कहाँ पे होता है, हैंड्स के अंदर फील होता है।
या फिर प्रेस्टेशिया होने का देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इनएडिक्यूट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे प्रेस्टेशिया देखने को मिलता है। इनके अलावा यहाँ पे गैंग्रीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मोस्ट गैंग्रीन देखने को मिलता है किसकी वजह से? इनएडिक्यूट सर्कुलेशन होने की वजह से। पर्टिकुलर फिट के अंदर क्या होगा दोस्तों? ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और पर्टिकुलर फिट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होता है? मोस्ट गैंग्रीन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट डायग्नोज देखें दोस्तों यहां पे, तो फर्स्ट वन क्या करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसको कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर करते हैं क्या दोस्तों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर कीप द पेशेंट ओवरनाइट फास्टिंग। क्या करते हैं? पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग रखेंगे, कितना? 10 to 12 hours। और साथ में उसको एडवाइज करते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है, अवॉइड एल्कोहल, कॉफी, स्मोकिंग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज 8 hours बिफोर टेस्ट। तो 8 hours बिफोर टेस्ट कराने से पहले ना एल्कोहल का यूज करना है, ना कॉफी का यूज करना है, ना स्मोकिंग करनी है, ना स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी है, तो जस्ट एडवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, ड्रा फास्टिंग ब्लड सैंपल देन गिव। यहाँ पे सबसे पहले ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, गिव 70 to 100 ml ग्लूकोज टू ड्रिंक। पेशेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ब्लड सैंपल ले लिया, उसके बाद आपने पेशेंट को क्या किया, पेशेंट को एडवाइज किया कि आप 70 to 100 ml ग्लूकोज वो ड्रिंक करो। उसके बाद क्या करते हैं, अपने ब्लड एंड यूरिन सैंपल आर टेकन एट 30 minute इंटरवल फॉर मिनिमम 2 hours। हर आधे घंटे के बाद 2 घंटे तक क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, उनको मॉनिटर करते रहेंगे, सैंपल कलेक्ट करते रहेंगे और करेंगे उसको एक ग्राफिक व्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ एंड सी द टाइम टू रिटर्न नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। कितने टाइम बाद ब्लड है वो नॉर्मल ग्लूकोज है आ रहा है। तो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज आपको पता है 70 to 100 mg/dL होता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाले दोनों ही की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन नॉन डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर रिटर्न टू नॉर्मल इन 2 hours। क्लियर है दोस्तों? नॉन डायबिटिक पेशेंट होता है 2 घंटे के अंदर, चाहे आपको कितना ही ग्लूकोज ले लिया, 2 घंटे के अंदर आपकी ब्लड शुगर वो नॉर्मल देखने को मिलेगी। पिक कितना देखने को मिलता है यहाँ पे, टॉप पे कितना पहुंच जाती है, 120 to 60 mg/dL, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर 160 से अबो भी चली जाती है तो वो कंडीशन यहां पे मैंने नीचे की है, मोर देन 200 mg/dL ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर टू आवर ऑफ इंजेक्शन कंफर्म द डायग्नोज ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो सिंपल सी है दोस्तों, यहां पे ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सैंपल लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को 100 ग्राम के लगभग ग्लूकोज ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, और आप सैंपल्स हर 30 मिनट के बाद सैंपल लेते हैं 2 घंटे तक। 2 घंटे में नॉर्मली आपको पता है 2 hours के बाद क्या होता है, नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है। पिक कितना जाता है, एक बार पिक जाएगा 120 से 160 एमजी तक, उसके बाद नॉर्मल वापिस आ जाएगा 2 घंटे के अंदर। लेकिन 2 घंटे के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना जा रहा है, 200 mg से अबो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेशेंट सफर फ्रॉम द डायबिटीज। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है ग्लाइकोसिलेटेड एचबी टेस्ट, जो डायग्नोज के अंदर मैं आपको पहले ऊपर स्टार्ट के अंदर बता चुका हूं। इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको फास्ट वाट बता देता हूं मैं दोस्तों, पोस्ट ग्लूकोज कंट्रोल टेस्ट बोलते हैं इसको। अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये अपने आप स्टार्ट में पढ़ा था। सीवीटी के चेक करने के लिए ग्लाइकोसिलेट एचबी चेक करते हैं, नॉर्मल रेंज में आपको अभी बता के 4 to 6 होती है। और गोल क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पॉइंट में वहां पे मेंशन नहीं कर रखा था, द गोल फॉर डायबिटीज मेलिटस क्लाइंटी इज HbA1c शुड बी 7 or below। तो डायबिटीज मेलिटस के अंदर HbA1c का गोल क्या होना चाहिए, गोल होता है कि 7 से below रहना चाहिए। और लास्ट वन वाला पॉइंट भी मैंने वहां पे आपको क्लियर करवा दिया था, HbA1c इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल पीरियड 3 months। लास्ट 3 मंथ के अंदर कैसे ब्लड उसका कंट्रोल था, उसको चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड एचबी टेस्ट है वो करते हैं। यह भी मैंने मेंशन कर दिया था, हेल्थी पर्सन 4 to 6% तक नॉर्मल मानते हैं, 6 to 6.5% प्री डायबिटीज और 6.5% से अब हो जाता है उसको क्या मानते हैं, डायबिटीज मानते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी देखें दोस्तों, तो दोनों ही डाउन फिनोमिना एंड स्मोकी इफेक्ट दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, डाउन फिनोमिना एंड सेकंड वन इज स्मोकी इफेक्ट। स्मोकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू मच इंसुलिन, और डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन इंसुलिन, क्लियर है। देन अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं दोनों के अंदर होता क्या है। डाउन फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया, क्लियर है दोस्तों। डाउन फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया। ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, डाउन फिनोमिना के अंदर। तो आपने देखे डाउन फिनोमिना एल्सो कॉल्ड डाउन इफेक्ट, क्लियर है। इट्स द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अबनॉर्मल अर्ली मॉर्निंग इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्लियर है दोस्तों। ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया और अर्ली मॉर्निंग के अंदर ब्लड का ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डाउन फिनोमिना बोलते हैं। इन अर्ली मॉर्निंग मीन्स 5 AM to 8 AM आएगा दोस्तों यहां पे। इन अर्ली मॉर्निंग 5 AM to 8 AM रिड्यूस टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ब्लड कोज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इनटू ब्लड नाउन एज डाउन फिनोमिना, क्लियर है दोस्तों। तो यही बात होती है डाउन फिनोमिना के अंदर। रात को आपने क्या दिया, इंसुलिन दिया, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था। तो आपको बताया मॉर्निंग के अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन कर देता है टिश्यू सेंसिटिव टू इंसुलिन, वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वापिस क्या हो जाता है, ब्लड का ग्लूकोज है इंक्रीज देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, डाउन फिनोमिना बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो यही पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट याद रखने की कोशिश करना। इन अर्ली मॉर्निंग 5 to 8 AM रिड्यूस टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ब्लड कोज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन टू ब्लड नाउन एज डाउन फिनोमिना, क्लियर है दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, वो रिपीटेड है। सेकंड है स्मोगी इफेक्ट। स्मोगी इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इन डायबिटीज मेलिटस रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, यहां पे क्या देखने को मिलता है दोस्तों, रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया अगर वर्ड आए तो क्या देखना है दोस्तों आपको, स्मोगी इफेक्ट, ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया, डाउन फिनोमिना। तो यहां पे होता क्या दोस्तों, इन डायबिटीज मेलिटस रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया कॉज्ड बाय काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज। तो जैसे ही दोस्तों इंसुलिन इंसर्ट किया, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया होते ही अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या होगा, रिलीज हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन को उन्होंने सुप्रेस कर दिया और वापिस ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यही बात मैंने यहां पर मेंशन किया दोस्तों, रैपिड डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एट 2 to 3 AM, क्लियर है, 2 to 3 AM और ड्यू टू इंसुलिन इंजेक्शन। तो जैसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाया था सबकुटेनियस, उसकी वजह से 2 to 3 AM क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो मींस डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज देखने को मिला, कब, 2 to 3 AM, किसकी वजह से, ड्यू टू इंसुलिन इंजेक्शन की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कोज मींस डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कोज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होंगे कौन कौन सा, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इसके अलावा कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। विच कोज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल अगेन 7 PM कॉल्ड स्मोगी इफेक्ट और रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, क्लियर है दोस्तों। तो ये सिंपल सा स्मोगी इफेक्ट होता है जो कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है।
ये तो इंसुलिन के पढ़े थे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज मेलिटस के कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो डायबिटीज मेलिटस के देख के नॉर्मली अक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन पढ़ने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस के ऊपर बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट वन बात करते हैं अक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखें तो दोस्तों, तो फोर टाइप के अक्यूट कॉम्प्लिकेशन वो नॉर्मली अपने रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन क्या रीड आउट करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन के अंदर, अक्यूट कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वन पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर देखें तो मीन से 72/110 नॉर्मल माना जाता है। 70 mg/dL से ग्लूकोज का लेवल बिलो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो आपको पता है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो फर्स्ट वन बात करें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है दोस्तों, 70 mg/dL से बिलो होता है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को हंगर फील होती है, ट्रिमर देखने मिलता है, डायफोरेसिस देखने मिलती है। जैसे ही डाउन आता है कुछ स्वीट प्रोडक्ट का वो क्या कर लेता है, कंज्यूमशन करता है। तो वैसे ही कंजप्शन करेगा उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो इसका तो ट्रीटमेंट क्या करता है, घर पे पेशेंट खुद ही कर लेता है। देन सेकंड है मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। मॉडरेट का मतलब बिलो 40 mg/dL, ब्लड कितना आ जाता है ग्लूकोज लेवल 40 mg/dL से बिलो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मॉडरेट बोलते हैं। क्लियर है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बिलो 40 mg/dL जिसको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। किसकी वजह से होता है दोस्तों ये, ड्यू टू मच इंसुलिन का, आपने बहुत ज्यादा इंसुलिन इंजेक्शन लगाया, ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट आते हैं जो डायबिटीज मेलिटस में टेबलेट यूज करते हैं वो ज्यादा यूज कर ली है, या टू लिटल फूड या एक्सेसिव एक्टिविटी कर ली, इसकी वजह से क्या होता है ग्लूकोज लेवल बिलो आ जाता है कितना, 40 mg/dL से, जिसको क्या बोलते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसके अंदर डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, फेटिक फील होगा पेशेंट को, और क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं दोस्तों इसका, ट्रीटमेंट यहां पर रहता है इसका, ट्रीट द कंडीशन विद सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, हनी एंड फ्रूट जूस। क्लियर है दोस्तों? फ्रूट जूस। नेक्स्ट है दोस्तों सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है दोस्तों, बिलो 20 mg/dL। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कितना आ जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, 20 mg/dL से बिलो आ जाता है। और इसके अंदर पेशेंट के क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेशेंट के सीजर आने लग जाते हैं, कोमा के अंदर डायबिटीज कोमा की कंडीशन देखने मिलती है, और डिलीरियम देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में करते हैं एडमिनिस्टर 20-50% डेक्सट्रोज एंड इंजेक्शन देते हैं कौन सा दोस्तों, ग्लूकागोन। रूट क्या रहता है, सबकुटेनियस इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये मेरे तीनों टाइप के हाइपोग्लाइसीमिया बताए हैं दोस्तों। ये फर्स्ट वन अक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा और डिटेल में देखा है दोस्तों, नोट साइन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर चाइल्ड के अंदर देख पूछा जाए तो क्या माना जाता है दोस्तों, सीजर। और अडल्ट के अंदर क्या माना जाता है साइन सिम्टम्स, मोस्ट कॉमनली डायफोरेसिस, रेस्टलेसनेस, वर्टिगो, ब्लड विजन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। तो आपको पता है जैसे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा पेशेंट के क्या होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आपके पास, आप इमरजेंसी के अंदर हो, आपके पास एक डायबिटीज पेशेंट आता है, आते ही आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजरमेंट किया और 20 mg/dL से बिलो आ रहा है, तो आप एज ए नर्सिंग persons, उसको ओरल ग्लूकोज दोगे या नहीं दोगे। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये पेशेंट अनकॉन्शियस, इन दिस कंडीशन नॉट गिव बाय ओरल रूट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उस कंडीशन में आपको ओरल रूट से कुछ नहीं देना, आप वहां पे डेक्सट्रोज दे सकते हो या ग्लूकागोन इंजेक्शन वो सबकुटेनियस से दे सकते हो। तो ये अपने हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड क्या आता है दोस्तों, सेकंड आता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात करें तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए डायबिटीज कीटोएसिडिटी किसका कॉम्प्लिकेशन है, टाइप फर्स्ट का या सेकंड का, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटिस, जिसको अपने पढ़ाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस। क्लियर है, ये बात भी मैं पढ़ा चुका था आपको। कीटोन बॉडीज आर फॉर्मड बाय फैट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग के अंदर भी, अगर आप फास्ट लॉन्ग फास्ट करते हैं तब भी कीटोन बॉडी बनती है, स्टारवेशन के अंदर भी बनती है, और डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर भी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है। डायबिटीज मिलाइटिस में तो आपको रीजन मैंने बताया था क्या रीजन रहता है, इंसुलिन वाला, और लॉन्ग फास्टिंग और स्टारवेशन के अंदर भी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होने के चांस इंक्रीज होते हैं। तो डायबिटीज कीटोएसिडिटी से अगर कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो किसका होता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटिस का होता है। क्लियर है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है दोस्तों डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, जो पूछा जाता है कितना ग्लूकोज चला जाता है इसके अंदर, 300 टू 800 mg पर डेसीलीटर तक ग्लूकोज है वो चला जाता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में, और यहाँ पे किस टाइप की ब्रीथ देखने को मिलती है, यहां रखना दोस्तों किस टाइप की देखने को मिलती है, फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि यूरिन आउटपुट एक्सेसिव क्वांटिटी में होता है, और पेशेंट के क्या हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक जैसी कंडीशन हो जाता है अगर अपने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर पूछा जाता है कि स्मॉल ब्रीथिंग किसके अंदर देखने को मिलती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, तो स्मॉल ब्रीथिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू एसिडोसिस। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉल ब्रीथिंग को यही मैंने सेकंड की पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है, इज ए डीप लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न दैट इंडिकेट that the body or organ have become too acidic। क्लियर है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर सिंपल सी बात है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, इसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज देखने मिलता है, मींस हाइपरग्लाइसीमिया देखने मिलता है, जिसकी क्वांटिटी क्या रहती है 300 टू 800 mg रहती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलता है, और ब्रीथ आपको पूछा था किस टाइप की ब्रीथ देखने मिलती है, फ्रूटी ब्रीथ देखने मिलती है, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग भी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर देखने को मिलती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट पूछा हुआ दोस्तों, टू ट्रीट डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, यहाँ पे पेशेंट को 0.9% नॉर्मल सेलाइन वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। थर्ड वन देखें दोस्तों, अक्यूट कॉम्प्लिकेशन थर्ड वन होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपोओस्मोलर एंड नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, जिसको सिंपल सा ध्यान रखना, कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं दोस्तों HHNS, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस। तो मोस्ट कॉमन इन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस, अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस का कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, टाइप सेकंड का पूछा जाए तो क्या जाएगा दोस्तों HHNS जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपोओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है। होता क्या इसके अंदर दोस्तों, एक्सटर्नली हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, कितना चला जाता है यहाँ पे ग्लूकोज लेवल 600 टू 1200 mg पर डेसीलीटर, बट यहाँ पे होता क्या है विदाउट कीटोसिस एंड एसिडोसिस, यहाँ पे कीटोन बॉडी फॉर्मेशन नहीं होती है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता, क्यों नहीं देखने को मिलता, कीटोन बॉडी इज नॉट फॉर्मड बिकॉज इंसुलिन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ द फैट। क्लियर है, तो यहाँ पे दोस्तों HHNS के अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, अल्टरेड कॉन्शियसनेस है वो अल्टरेड होगा, डिहाइड्रेशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस है वो यहाँ पे भी होते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पे भी 0.9% नॉर्मल सलाइन वो किया जाता है दोस्तों, ट्रीटमेंट जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फोर्थ वन कॉम्प्लिकेशन देखें अक्यूट कॉम्प्लिकेशन में, तो डायबिटिक कोमा क्या होता है दोस्तों, कोमा रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई ब्लड शुगर लेवल, ऑल्दो हाइपोग्लाइसेमिया इज मच मोर कॉमन। तो क्या होता है दोस्तों, डायबिटिक कोमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया दोनों के अंदर देखने को मिलता है डायबिटीज, बट मोस्ट कॉमन अगर बात की जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया, जिससे 20 mg से बिलो जाता जाएगा पेशेंट किस कन्वर्ट होता जाएगा डायबिटीज कोमा की तरफ, वो
कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये तो अपने सिंपल सिंपल क्या पढ़े हैं दोस्तों, सिंपल सिंपल पढ़े हैं कॉम्प्लिकेशन। कौन से कॉम्प्लिकेशन? अक्यूट कॉम्प्लिकेशन। तो कितने पढ़े अक्यूट कॉम्प्लिकेशन? 4 टाइप के अक्यूट कॉम्प्लिकेशन पढ़े हैं। फर्स्ट वन हाइपोग्लाइसेमिया, और हाइपोग्लाइसेमिया के अपने माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर और उनके अंदर साइन सिम्टम और उनका ट्रीटमेंट पढ़ा था। सेकेंड पढ़ा था डायबिटिक किटोएसिड जो टाइप फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता था। थर्ड वन पढ़ा दोस्तों अपने हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन किटोटिक सिंड्रोम जो टाइप सेकंड के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा लास्ट वन पढ़ा दोस्तों अक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस डायबिटिक कोमा जो हाइपर और हाइपो दोनों के अंदर देखने को मिलता है, बट मोस्ट कॉमन पूछे तो आपको बताना है हाइपोग्लाइसेमिया। इसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं दोस्तों क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अक्यूट अपने 4 टाइप के पढ़ चुके हैं, क्रोनिक के अंदर बात करें तो अक्यूट 4 टाइप के। क्रोनिक कितने टाइप के दोस्तों? क्रोनिक है वो 2 टाइप के है। कौन कौन सा? एक तो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। क्लियर है? मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन दोनों ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। बात कर रहे हैं दोस्तों अपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अक्यूट कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड माइक्रोवास्कुलर। तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तो तीन तो इनमें से नाम डाल देगा, सीएडी डाल देगा, हाइपरटेंशन डाल देगा, सीएवी डाल देगा, और दो क्या डाल देगा, दो एक नेम डाल देगा माइक्रोवास्कुलर वाला। तो एक्सेप्ट बेस के ऊपर यहां पे क्वेश्चन है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन देखें दोस्तों, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने, टू टाइप ऑफ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट वन होता है दोस्तों माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, तो माइक्रोवास्कुलर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांस होते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांस होते हैं, एंड सीएवी होने के चांस होते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होने के चांस होते हैं। तो नेरो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होने के चांस किसकी वजह से होते हैं दोस्तों? तो नेरो ब्लड वेसल्स कॉज फॉर सर्कुलेशन। तो क्या होता है दोस्तों, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज क्यों होती है? क्योंकि डायबिटीज मेलिटस के अंदर ग्लूकोज का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ब्लड वेसल्स क्या होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, धीरे धीरे नेरो होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होने के चांस वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको सिंपल सिंपल ध्यान रखना है सीएडी, हाइपरटेंशन, सीएवी, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो तीन या चार टाइप के है, तीन टाइप के नॉर्मली, तो तीनों टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सेप्ट बेस के ऊपर क्वेश्चन यहां से निकला हुआ है दोस्तों। तो मैक्रो अपने पढ़ लिया, अब अपने पढ़ रहे हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कितने टाइप का दोस्तों? 3 टाइप के माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और थर्ड वन कौन सा होता है दोस्तों? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्लियर है? तो अब फर्स्ट वन बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी के अंदर होता क्या दोस्तों? इंपेयरमेंट ऑफ रीनल सर्कुलेशन ड्यू टू वास्कुलर डीजनरेशन एंड रेटिनल हेमरेज कैन कोज ब्लाइंडनेस। तो आपको मैंने बता दिया था रेटिनल डायबिटीज रेटिनोपैथी क्यों देखने मिलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज डिपॉजिट बिहाइंड रेटिना लेंस, जिसकी वजह से क्या देखने मिलता है डायबिटीज रेटिनोपैथी। क्लियर है दोस्तों? देन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज नेफ्रोपैथी के अंदर होगा क्या? यहाँ पे ग्लूकोज लेवल, फिर आपको पता है दोस्तों किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती है, ग्लोमेरुलस होता है, उसको डैमेज करेंगे, तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन किडनी फंक्शन।
तो क्या होता है डायबिटीज नेप्रोपैथी के अंदर प्रोग्रेसिव धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं किडनी के फंक्शन, ग्लूकोज डिपॉजिट इन द कैपिलरी ऑफ नेफ्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कोज डैमेज द नेफ्रॉन कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलस। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों ग्लूकोज डिपॉजिट इन कैपिलरी ऑफ नेफ्रॉन कोज डैमेज द नेफ्रॉन कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलस। तो डायबिटीज नेप्रोपैथी में क्या होता है दोस्तों एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया होने की वजह से क्या होगा हाइपरग्लाइसेमिया होने की वजह से नेफ्रॉन एंड ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लूकोज डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा डायबिटीज नेप्रोपैथी की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर किडनी के फंक्शन वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं डैमेज हो जाते हैं और लास्ट में किडनी क्या हो जाती है फेल हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर बात करें तो यहां पे डिप्लोपिया देखने को मिलता है। डिप्लोपिया अक्कर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप डायबिटिक गैंग्रीन। क्या होता है दोस्तों डायबिटिक गैंग्रीन जिसके अंदर आपने देखा था मोस्ट गैंग्रीन। तो यहां पे डिप्लोपिया को थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट टर्मोलॉजी में डिवाइड कर दिया था, ये गैंग्रीन से रिलेटेड बता दिया इस पॉइंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना, करेक्शन है यहां पे बात की अपने डायबिटीज गैंग्रीन की। डायबिटीज गैंग्रीन किसकी वजह से होता है दोस्तों डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से डायबिटीज गैंग्रीन हो जाता है। और डायबिटीज करेक्शन ठीक ही कर देता हूं दोस्तों मैं यहां पर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप डायबिटीज गैंग्रीन मोस्ट गैंग्रीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होता है नर्व सप्लाई डिफेक्ट होती है ब्लड सप्लाई डिफेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो डिप्लोपिया की अपने फर्स्ट वन देखा था डिप्लोपिया। डिप्लोपिया अक्कर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड एंड सिक्स कौन सी होती है एब्डुसेंट नर्व, और जिसको ही क्या बोलते हैं अपने एब्डुसेंट नर्व बोलते हैं। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये मूवमेंट ऑफ आई बाल के लिए सिक्स क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है मोस्टली फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व नर्व। तो डिप्लोपिया के अंदर होता क्या है दोस्तों डिप्लोपिया के अंदर थर्ड एंड सिक्स क्रेनियल नर्व क्या होती है डिफेक्ट होती है, किसकी वजह से ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी होने की वजह से किसकी ग्लूकोज की वजह से नर्व सप्लाई प्रॉपर आई के अंदर नहीं हो पाती है और उसकी वजह से क्या होती है दोस्तों उसकी वजह से डिप्लोपिया देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी डिफेक्ट होती है तो ध्यान रखना दोस्तों नर्व थर्ड एंड नर्व सिक्स, क्लियर है। इसके अलावा देखे दोस्तों एल्सो कोज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर मींस बाद में ब्लैडर है वो कंट्रोल रहना मुश्किल हो जाता है। बंदा बैठा है बैठे बैठे यूरिन पास आउट करेगा, अगर उसको यूरिन फील हो रहा है टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्लियर है, पहले यूरिन आउटपुट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दो टर्मोलॉजी ऐसी मैंने डाली आपको समझाने के लिए, गैंग्रीन क्या होता है गैंग्रीन मैंने आपको बताया था स्पेशली ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर गैंग्रीन देखने को मिलता है, क्लियर है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर गैंग्रीन देखने को मिलता है अकरिंग इन सम डायबिटीज एज रिजल्ट ऑफ वास्कुलर इंसुफिशियंसी। वास्कुलर इंसुफिशियंसी न्यूरोपैथी एंड इन्फेक्शन कॉल्ड डायबिटीज गैंग्रीन, क्लियर है। गैंग्रीन डायबिटीज गैंग्रीन किसकी वजह से होता है दोस्तों तीन बात बताई यहां पे, वास्कुलर इंसुफिशियंसी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, नर्व क्या हो जाती है एक्सेस क्वांटिटी ग्लूकोज की होने की वजह से नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है, और वहां पे पर्टिकुलर आपको पता है ब्लड सप्लाई नहीं होगी नर्व सप्लाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं डायबिटीज गैंग्रीन बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा अपने स्टार्ट में आया था उसी से रिलेटेड मैंने डाला है यहां पे। डायबिटिक कोमा के अंदर देखें दोस्तों रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली वेरी लो और एक्सट्रीमली हाई ब्लड शुगर लेवल कॉल्ड डायबिटिक कोमा, क्लियर है। देर आर थ्री टाइप ऑफ डायबिटिक कोमा। कितने टाइप का होता है दोस्तों थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट वन है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, सेकंड वन है डायबिटिक कोमा, और थर्ड वन कौन सा होता है दोस्तों हाइपो ओस्मोलर नॉन किटोटिक कोमा। अगर आपसे पूछ लिया जाए डायबिटिक कोमा कितने टाइप का होता है ध्यान रखना दोस्तों तीन टाइप का होता है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा डायबिटिक कोमा एंड हाइपो ओस्मोलर नॉन किटोटिक कोमा। क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे साइन सिम्टम देखने को मिलता है यहाँ पे
हॉट एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगी जैसे ही कोमा में जाएगा। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगी, पेशेंट को ड्राविंग फील होगी, और होता किसके अंदर है, इट इज मोर कॉमन इन हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको डायबिटिक कोमा बताया था मैंने, मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, वो निकले हुए हैं दोस्तों। फर्स्ट में देखें दोस्तों डायट्री मैनेजमेंट। डायट्री मैनेजमेंट के अंदर बात करें दोस्तों, तो एडवाइस टू टेक लो शुगर एंड फैट डाइट इन स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट। तो पेशेंट को क्या एडवाइस करनी है दोस्तों, एडवाइस करनी है कि लो शुगर एंड फैट डाइट लेनी है, लेकिन आपको एक साथ नहीं लेनी, फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट वन है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नॉट सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट लेनी है लेकिन कौन सी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन सी लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी है, सिंपल शुगर नहीं लेनी। अब आपको पता होगा दोस्तों सिंपल शुगर कौन सी होती है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड दोनों को क्या बोला जाता है दोस्तों, सिंपल शुगर बोला जाता है। क्लियर है, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड को क्या बोला जाता है, सिंपल शुगर बोला जाता है, और पॉलिस मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड को सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है दोस्तों, पॉलीसेक्राइड, जो सीरियल से अपने गेहूं का कंज्यूम करते हैं, दैट इज पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के अंदर बात करें दोस्तों, तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आते हैं, डाइसेक्राइड के अंदर माल्टोज एंड लैक्टोज एंड सुक्रोज आते हैं, और इनको अपने क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च इज ए मॉलिक्यूल मेड ऑफ सेवरल लिंक्ड सैकेराइड, जिसको बोलते हैं अपने पॉलीसेकेराइड, और इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, सीरियल्स। क्लियर है। नेक्स्ट डाइट के ऊपर बात करें दोस्तों अपने, तो डाइट पेशेंट को एडवाइज करें कि डाइट शुड कंटेन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों, डाइट पेशेंट को बताना कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर है, वो आपको दोनों क्या करना है, डाइट के अंदर इंक्लूड करने हैं। अब बात आ रही है कि सोल्यूबल फाइबर कौन से होते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर कौन से होते हैं, ये दोनों पॉइंट है वो मेंशन किया दोस्तों मैंने। सोल्यूबल फाइबर के अंदर जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, ये ऑल ओवर क्या होते हैं, सोल्यूबल फाइबर होते हैं, और उनका काम क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है दोस्तों, इसलिए सोल्यूबल फाइबर वो पेशेंट को एडवाइज करते हैं, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है। इनसोल्यूबल क्या करते हैं दोस्तों, इनसोल्यूबल करता है फाइबरस फ्रूट जैसे कि नट्स, कैरेट्स, पोटैटो, ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन से क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर्स। क्लियर है। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइज करेंगे दोस्तों अपने, एडवाइज पेशेंट सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग। पेशेंट को एडवाइज करनी है कि अपना ग्लूकोज वो सेल्फ कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है। ये तो डाइट से रिलेटेड था दोस्तों। अब सेकंड आती है एक्सरसाइज की बात, डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट के अंदर। तो एक्सरसाइज के अंदर क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो पेशेंट को आप एडवाइज करनी है कि एक्सरसाइज, अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो उसको एक्सरसाइज के लिए आपको अवॉइड करवाना है। एक्सरसाइज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड मसल टून के लिए। क्लियर है दोस्तों। एक्सरसाइज डिक्रीज वेट, क्या करता है, वेट को डिक्रीज करता है, डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा एंड ग्लूकोज इनटॉलरेंस एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड नॉर्मली लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों, लेस देन 150 मिलीग्राम से बिलो क्या होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड का होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल अप टू 200 ग्राम से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। क्लियर है। 200 से कम कोलेस्ट्रॉल, 150 से कम ये होना चाहिए, और आपको पता है दोस्तों वेट डिक्रीज रहना चाहिए, ज्यादा वेट है वो भी टाइप सेकंड का डायबिटीज मेलाइटिस का कोज माना जाता है। तो ये बात एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो बताई है। नेक्स्ट है दोस्तों ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट। मेडिसिन क्या देंगे यहाँ पे अपने पेशेंट को हाइपोग्लाइसमी हाइपरग्लाइसमिया को ट्रीट करने के लिए, कौन कौन सी मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब करेंगे।
तो एडमिनिस्ट्रेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन पेशेंट विद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले के अंदर आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाले में आप ये मेडिसिन जो पढ़ रहे हैं ये आप दे सकते हो। ये मेडिसिन दे दी आपने, अदर डाइट दे दी, एक्सरसाइज कर दी, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन प्रायोरिटी जाती है सेकेंड के अंदर इंसुलिन की। तो नेक्स्ट है दोस्तों, दीज एजेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल इनहान इंसुलिन एक्शन। एग्जाम्पल कौन कौन सी देते हैं दोस्तों, अपने यहां पे देते हैं मेटफॉर्मिन, ग्लिम्पिप्राइट, पियोग्लिटाजोन एंड क्लोप्रोमाइड। तो ये मेडिसिन है नॉर्मली अपने क्या करते हैं डायबिटीज मेलिटस के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंसुलिन थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर क्या है दोस्तों, अपने देख लिए टैबलेट लेके देख लिए, एक्सरसाइज होगी, डाइट होगी। फोर्थ वन क्या है, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन आपको सबसे पहले रूट पूछा जाता है इसका, तो क्या होता है दोस्तों इसका रूट है सबकुटेनियस रूट माना जाता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन इज मेनली यूज टू ट्रीट टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है, नॉर्मली अगर पूछा जाए इंसुलिन किसके अंदर यूज करते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं, टाइप सेकंड में भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो चीज मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है। इंसुलिन में भी यूज इन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस इफ डाइट, एक्सरसाइज एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो अभी अपने ऊपर पड़ा था फेल टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन टाइप सेकंड के अंदर कब यूज करते हैं दोस्तों, डाइट आपने कंट्रोल कर ली, एक्सरसाइज आपने ट्राई करके देख लिया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कर ले लिया, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा है, देन आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंसुलिन का यूज वो करना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन लिपोडिस्ट्रॉफी एट इंजेक्शन साइट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। क्लियर है दोस्तों, तो हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन लिपोडिस्ट्रॉफी एट इंजेक्शन साइट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, दैट इज कंप्यूटर एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ इंसुलिन। तो ये तो अपने दोस्तों इंसुलिन के बारे में जो सिंपल सा पढ़ा है, अब टाइप ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के टाइप से भी कंप्यूटर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, इंटरमीडिएट कौन सा होता है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सा होता है, ऑनसेट भी पूछ लेते हैं, ड्यूरेशन भी पूछ लेते हैं, मोस्टली इसके टाइप और ब्रांड नेम से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ऑनसेट भी कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों। तो टाइप ऑफ इंसुलिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से नेम है। तो टाइप के अंदर देखें दोस्तों, तो फोर टाइप के अंदर होता है, फर्स्ट में होता है रैपिंग एक्टिंग, क्रेशर के साथ साथ चलना, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो चार टाइप के इंसुलिन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो यहाँ के ब्रांड नेम डाला है मैंने दोस्तों सेकंड कॉलम के अंदर, ब्रांड नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन से होते हैं। तो ब्रांड नेम है इसका हुमालोग, नोवोलॉग एंड एपिड्रा, ऑल ओवर इंक्लूडेड इन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। द नेक्स्ट है दोस्तों ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है टाइम अंटिल रीच ब्लड स्ट्रीम, टाइम अंटिल रीच ब्लड स्ट्रीम उसको क्या बोलते हैं ऑनसेट। कितना होता है दोस्तों रैपिड एक्टिंग का ऑनसेट है 10 to 30 मिनट, शॉर्ट एक्टिंग अपने बाद में पढ़ेंगे। पीक का मतलब होता है दोस्तों टाइम व्हेन मोस्ट इफेक्टिव, पीक का मतलब क्या होता है टाइम व्हेन मोस्ट इफेक्टिव, रैपिड एक्टिंग का पीक लेवल कितना होता है दोस्तों 3 आवर। एंड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों हाउ लॉन्ग वर्क, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है हाउ लॉन्ग वर्क, कितने लॉन्ग कितनी देर काम करेगा। तो ये काम रहता है दोस्तों रैपिड एक्टिंग का 3 to 5 आवर। अब बात कर रहे हैं दोस्तों रैपिड एक्टिंग अपने पढ़ लिया, ब्रांड नेम पढ़ लिया, ऑनसेट क्या होता है इसका, पीक लेवल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, अब शॉर्ट एक्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आता है दोस्तों रेगुलर इंसुलिन, ध्यान रखना रेगुलर इंसुलिन के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकले हैं काफी, इसके लिए मैंने नीचे की पॉइंट भी बना रखे हैं। रेगुलर इंसुलिन का ऑनसेट टाइम होता है दोस्तों 10 to 30 मिनट, पीक लेवल होता है इसका 2 to 5 आवर एंड ड्यूरेशन होता है अप टू 12 आवर। दोस्तों ये सारणी आपको बना रखी है, हार्ड जरूर लगेगी लेकिन अच्छे से याद करना, इसके अंदर से आजकल 100% क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसके अंदर कौन सा होता है दोस्तों एनपीजी होता है, और ऑनसेट क्या होता है एनपीजी का दोस्तों 1.5 to 4 आवर, क्लियर है। पीक लेवल क्या होता है दोस्तों इंटरमीडिएट एनपीजी का 4 to 12 आवर, एंड ड्यूरेशन कितना होता है दोस्तों इसका अप टू 24 आवर। देन बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों लेंटस एंड लेविमिर, क्लियर है लेंटस एंड लेविमिर। ऑनसेट क्या होता है इसका 0.8 to 4 आवर, और पीक क्या होता है मिनिमम पीक माना जाता है, और ड्यूरेशन कितना करता है दोस्तों अप टू 24 आवर। तो ये अपने सिंपल सिंपल से चार टाइप पढ़े दोस्तों इंसुलिन थेरेपी के, जिनके अलग अलग है। ब्रांड नेम याद रखने की कोशिश करना, ऑनसेट याद रखने की कोशिश करना, हो सके तो पिक और ड्यूरेशन भी याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने यहाँ से, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। बात अपने रेगुलर इंसुलिन की बात की थी, शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन पढ़ा अभी, तो यही बात इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। कैसे क्वेश्चन निकला है दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन कैन मिक्स विद एनी टाइप ऑफ इंसुलिन। तो कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा इंसुलिन है जिसको किसी भी टाइप के साथ मिक्स कर लेते हैं, ध्यान रखना रेगुलर इंसुलिन टाइप ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो रेगुलर इंसुलिन कैन मिक्स विद एनी टाइप ऑफ इंसुलिन, सो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, सो व्हेन मिक्सिंग रेगुलर इंसुलिन विद एनी टाइप अदर इंसुलिन ड्रा अप द रेगुलर इंसुलिन फास्ट, दिस विल अवॉइड कंटामिनेटिंग द वायल ऑफ रेगुलर इंसुलिन विद अनदर टाइप ऑफ इंसुलिन। तो यहां पे बात क्या होती है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, इंसुलिन ड्रा करना है। सबसे पहले दो इंसुलिन के नाम डाल देगा, कौन सा मिक्स करोगे, रेगुलर इंसुलिन पहले लोगे या अदर लोगे। तो ध्यान रखना सबसे पहले कौन सा लेते हैं, रेगुलर इंसुलिन, ये बात मैंने यहां पर इंची की है। इंसुलिन ड्रा अप टू रेगुलर इंसुलिन फास्ट, दिस विल अवॉइड कंटामिनेटिंग द वायल ऑफ रेगुलर इंसुलिन विद अनदर टाइप। तो कई बार पूछा जाता है कौन सा इंसुलिन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अगर अदर के साथ मिक्स करना है, तो ध्यान रखना दोस्तों रेगुलर इंसुलिन को सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि वो वायल ऑफ कंटामिनेट ना हो, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों गोज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब इंसुलिन देते हैं तो कितने गोज की नीडल यूज करते हैं। रेंज के अंदर क्राइटेरिया देखें दोस्तों 26 to 29 गोज नीडल है फॉर इंसुलिन नॉर्मली यूज करते हैं। इफ 26-27 नॉट गिव इन दी ऑप्शन दैट टाइम प्रायोरिटी 25 गोज, क्लियर है दोस्तों। यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों रोटेट इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट रोटेट करनी है क्योंकि आपको पता है मोस्टली अम्बिलिकल एरिया के राउंड लगाते हैं, तो इंजेक्शन साइट रोटेट कितनी करते हैं, एवरी इंजेक्शन के अंदर कितनी रोटेट करते हैं, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 1.5 inch अपार्ट इन एवरी इंजेक्शन टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी। अभी मैं ऊपर आपको मेंशन करवा गया था इंसुलिन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन पूछे तो लिपोडिस्ट्रोफी होता है, और लिपोडिस्ट्रोफी से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं दोस्तों, इंजेक्शन साइट को रोटेट करते हैं, और कितना करते हैं 1.5 inch, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है एनपीएच, एनपीएच अभी ऊपर आपने पढ़ा था, एनपीएच जिसको बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्ड्रोन वाज क्रिएटेड इन 1936 बाय एडिंग प्रोटामाइन विद पोर्सिन स्वाइन एंड पिग, क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कैन मिक्स विद एनी टाइप ऑफ इंसुलिन एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड आईवी एल्सो, सो कैन बी यूज इन टू एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एसिडोसिस। तो डायबिटिक किटो एसिडोसिस की कंडीशन में इमरजेंसी ड्रग का पूछा जाए तो क्या जाएगा दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन नॉर्मली वो अपने क्या करते हैं यूज करते हैं, और इसको अपने आईवी भी क्या कर सकते हैं यूज वो कर सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर किटोन बॉडी बाई प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड, क्लियर है। मॉनिटर फॉर कीटोन बॉडी बाय प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इनटू यूरिन इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 240 mg per deciliter इनटू कंसेक्यूटिव
टेस्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही 240 mg से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल जाता है उस कंडीशन में कीटोन बॉडी है वो क्या होगा, कीटोन्स होता है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कीटोन बॉडी को भी क्या करना है, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया देखने को मिलता है लेकिन किसके अंदर देखने को मिलता है, टाइपस डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि टाइपस डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन ही क्या होता है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टीच द पेशेंट टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर। आपको यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन निकला हुआ दोस्तों कि आप पेशेंट को क्या रिकॉग्नाइज कराओगे कि ये सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट किससे सफर कर रहा है, पेशेंट लो ब्लड शुगर से सफर कर रहा है। तो टीच द पेशेंट टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर कंफ्यूजन पाल्पिटेशन एज वेल एज दोज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, पोली यूरिया देखने को मिलेगा और साथ में पोली डिप्सिया देखने को मिलेगा, ऑल ओवर साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, इट मीन पेशेंट सफर फ्रॉम लो ब्लड शुगर। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है इंसुलिन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंटर ब्रेस्ट मिल्क। क्लियर है दोस्तों। इंसुलिन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंटर ब्रेस्ट मिल्क। ये भी जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको डाला ये। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। स्टोरेज ऑफ इंसुलिन के अंदर बात करें तो इंसुलिन शुड बी कीप इन कोल्ड प्लेस। कहां पर रखते हैं, कीप इन कोल्ड प्लेस एंड अवॉइड फ्रीजिंग एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। क्लियर है। बिफोर इंजेक्शन इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर। तो स्टोर किस पे करते हैं दोस्तों, कोल्ड प्लेस पे करते हैं, और जब इंजेक्शन लगाना होता है तो कब कहां पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। लेकिन बात ध्यान रखनी है, एक तो अवॉइड फ्रीजिंग एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं करना। क्लियर है। द नेक्स्ट है दोस्तों ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन नॉट यूज बाय ओरल रूट। इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों यूज नहीं करते। इंसुलिन नॉट यूज बाय ओरल रूट बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड बाई प्रोटीज एंजाइम। प्रोटीज एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, इंसुलिन का डिस्ट्रॉयड कर लेते हैं। तो ये अपने कोई काम का नहीं होगा अगर ओरल रूट से आपने ले लिया, तो इसलिए अपने इंसुलिन को ओरल रूट से यूज नहीं करते। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है मेन साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन की साइट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, वो रिपीटेड है, ध्यान रखना। मेन साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन तो एब्डोमेन अराउंड द अम्बिलिकल, दैट इज मोस्ट कॉमन साइट बिकॉज इंक्रीज अब्सॉर्प्शन। यहां पे ड्रग का अब्सॉर्प्शन होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, देन राइट आंसर क्या जाएगा, अराउंड एब्डोमेन अराउंड द अम्बिलिकल। क्लियर है। इसके अलावा भी साइट होती है दोस्तों, पोस्टीरियर सरफेस आर्म, एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई एंड हिप। दो टर्मोलॉजी और है दोस्तों, एक नाम आता है रिनल थ्रेशोल्ड, एक होता है इंसुलिनोमा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए नोट लगा के मैंने यहां पे मेंशन किया है। रिनल थ्रेशोल्ड क्या होता है दोस्तों, रिनल ग्लाइकोयूरिया। रिनल ग्लाइकोयूरिया मीन ग्लाइकोयूरिया अक्रिंग विदाउट हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू डिक्रीज रिनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। रिनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। क्लियर है। तो रिनल ग्लाइकोयूरिया देखने को मिलता है किसकी वजह से, मींस ग्लाइकोयूरिया अक्रिंग विदाउट हाइपरग्लाइसेमिया। नॉर्मल क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है उस कंडीशन में ग्लूकोज यूरिन के साथ आए तो बात चलती है, लेकिन विदाउट हाइपरग्लाइसेमिया उसको बोलते हैं रिनल थ्रेशोल्ड। और होता क्या, इसके अंदर नॉर्मल रिनल थ्रेशोल्ड पूछा जाता है दोस्तों, तो नॉर्मल रिनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज 180 mg पर डेसीलीटर। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है इंसुलिनोमा।
इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा क्या होता है? मेन द इंसुलिन सीक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और पेनक्रियाज विच कॉज हाइपोग्लाइसेमिया और जिसके अंदर स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन जैसे साइन सिम्टम वो देखने मिलते हैं। इंसुलिनोमा क्या होता है दोस्तों? इंसुलिनोमा एक ट्यूमर होती है किसकी? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, मीन्स बोला जाए तो बीटा सेल की। आशा करता हूं दोस्तों डायबिटीज मेलिटस आपको अच्छे से समझ में आया है। काफी बड़ा टॉपिक था इसलिए मैं कल आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था। आज मैंने जैसे जैसे टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो वो अपलोड किया दोस्तों, और स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो मत भूलना। मैं आशा करता हूं आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हर वर्ड है वो समझ में आएगा। फिर भी कोई वर्ड के अंदर डाउट हो आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।